स्कैमर्स के लिए सबसे बड़ा अड्डा है सोशल मीडिया, जहां पे आए दिन हर पल हर घड़ी कोई ना कोई से फंसता चला जा रहा है। ठीक ऐसा ही हुआ मुंबई के रहने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ। उन्होंने फेसबुक पर एक शेयर ट्रेडिंग की एड देखी। एड पे जब क्लिक किया तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम गोल्डमैन स्टॉक था। पहले से ही उस ग्रुप में काफी लोग थे जो चैट कर रहे थे, ट्रेडिंग से रिलेटेड बातचीत हो रही थी, कुछ प्रॉफिट तो कुछ लॉस दिखा रहे थे। कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट बताते हुए स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। बंदे को इंटरेस्ट आया तो उसने एडमिन से कॉन्टैक्ट किया। एडमिन ने उसे एक लिंक शेयर दी और कहा कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। जैसे ही बंदे ने GSIN एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो उसका एक वर्चुअल अकाउंट खुल गया। फिर उसने अपने बैंक अकाउंट से 17,40,000 रुपए 12 बैंक अकाउंट में डाले और ट्रांजैक्शन शुरू किए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब 40 लाख पे पहुंच चुकी थी, इसीलिए उसने सोचा कि कुछ पैसे एप्लीकेशन से निकाल के वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। पर ना केवल उसके ये प्रयास फेल हो गए बल्कि उसका वो वर्चुअल अकाउंट भी डिलीट हो गया और उसे समझ में आ गया कि वो एक स्कैम में फंस चुका है। इसीलिए इमीडिएटली उसने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने भी फुर्ती दिखाई और इस केस पे काम किया और उन 12 बैंक अकाउंट को टटोला तो उनमें से एक बैंक अकाउंट में एक आरोपी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल गए, जिसकी वजह से ये पूरा केस सॉल्व हो गया और पुलिस ने आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। स्कैम से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी पैसों का कोई लेन देन हो या तो फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मामला हो तो सबसे पहले आप सतर्क हो जाइए और मान के चलिए कि जो आपके सामने आया है वो एक स्कैम ही है। इसके बाद आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि कहीं ये फर्जीवाड़ा तो नहीं। अपने दोस्तों से, परिवार के लोगों से जानकारी हासिल कीजिए और हमारी चैनल जिम्मेदार कौन और द चाणक्य से जुड़े रहिए, क्योंकि हर घड़ी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको और आपके परिवार को क्राइम और स्कैम से सुरक्षित कर सकें। नमस्कार।